हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। 1776 में एडम स्मिथ की बुक आई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने इस बुक में अपनी थ्योरी दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी में उन्होंने कैपिटल एक्युमुलेशन को, डिवीज़न ऑफ लेबर को, फ्री ट्रेड को, पेरिसिमोनी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। कैपिटल एक्युमुलेशन के अराउंड ही उनकी थ्योरी घूमती रहती है। 1817 में आई डेविड रिकार्डो की बुक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 1867 में मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये थ्योरी उन्होंने उनकी बुक दास कैपिटल में दी। और इसी थ्योरी में वो जिक्र करते हैं सरप्लस वैल्यू का, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का और सम अदर कंसेप्ट्स का। लॉरेंस कर्व 1905 में आई और ये एक इनइक्वालिटी का मेज़र है। 1911 में सुम्पीटर की थ्योरी आई और सुम्पीटर ने अपनी थ्योरी में इनोवेशंस को, एंटरप्रेन्योर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। एंटरप्रेन्योर ही इनोवेशन करता है सुम्पीटर के अकॉर्डिंग। हैरोड मॉडल आया 1939 में और डोमर का मॉडल आया था 1946 में। और बिग पुश थ्योरी आई रोस्टेन रोडान ने दी 1943 में। बिग पुश थ्योरी 1943, डोमर मॉडल 1946, डिपेंडेंसी थ्योरी आई 1949 में। बैलेंस्ड ग्रोथ का कंसेप्ट दिया रोस्टेन रोडान, रैगनर नरकस से, ऑर्थर लुइस, स्टोविस्की, लेविंस्टीन, और ये आया 1950 में। ये जो सब हैं, जैसे रोस्टेन रोडान, रैगनर नरकस से, ऑर्थर लुइस, ये सब बैलेंस्ड ग्रोथ के फेवर में थे, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के फेवर में थे एओ हर्शिमन और कुछ अदर इकोनॉमिक्स। ये दोनों कंसेप्ट, बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ये दोनों आए 1950 में। बैलेंस्ड ग्रोथ में हर एक सेक्टर को हम साथ में लेके चलते हैं और हर एक सेक्टर का साथ में विकास होता है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ में हम पहले एक सेक्टर को लेते हैं फिर दूसरे को। हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ में सभी को साथ में नहीं लेके चलते, और जिसमें बैलेंस्ड ग्रोथ में हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद आया विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये रैगनर नरकसे ने 1953 में दिया। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये दी ऑर्थर लुइस ने, और इसी थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस मैन पावर, ये 1954 में दी ऑर्थर लुइस ने। इस थ्योरी में जो लुइस हैं वो दो सेक्टर को कंसीडर करते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। उसके बाद इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस साइमन कुज़नेट्स ने 1955 में दी। वेज गुड्स मॉडल बर्मानन एंड वाकिल ने 1956 में दिया। द लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल आर एम सोलो ने 1956 में दिया। 1956 में वेज गुड्स मॉडल और लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल, वेज गुड्स मॉडल दिया बर्मानन एंड वाकिल ने, और लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल आर एम सोलो ने 1956 में दिया। 1956 में ही लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आया, ये दिया नेल्सन ने। कैपिटल एक्युमुलेशन मॉडल भी 1956 में ही दिया मिसेस जॉन रॉबिसन ने। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हाइपोथेसिस, ये लेविंस्टीन ने 1957 में दी। उसके बाद कालडोर का मॉडल, कालडोर ने 1957 में दिया। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट भी 1957 में आया, कालडोर का मॉडल भी 1957 में आया। टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ कालडोर, टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ कालडोर आया 1960 में। कालडोर मिरलेस मॉडल 1962 में। फायर एनिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी फायर एनिस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस मैन पावर सेकेंड। इसमें भी फायर और एनिस भी दो सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही कंसिडर करते हैं। ये जो लुइस का मॉडल है और जो ये फायर एनिस का मॉडल है, ये दोनों ड्यूअल इकोनॉमी के मॉडल हैं, ड्यूअल इकोनॉमी। उसके बाद आया टू गैप मॉडल, ये दिया होलिस चेनरी ने 1966 में। फायर एनिस का आया 1964 में, टू गैप मॉडल 1966, लर्निंग बाय डूइंग एरो ने दिया
1980 में, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल भी 1980 में ही आया, जो लर्निंग कर्व होती है, जो एरो ने लर्निंग बाय डूइंग मॉडल दिया है, और लर्निंग कर्व होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की, ऐसे। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उन सब की के अंदर जो का जो एरिया होता है वो सेम होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितने बनते हैं उन सब का एरिया सेम होता है। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल 1980 में आया, रोमन मॉडल भी 1986 में आया। टेक्निकल चेंज, डिसएम्बोडीड टेक्निकल चेंज, अब्राहम कोविट्स ने 1956 में दी, एम्बोडीड टेक्निकल चेंज सोलो ने 1960। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो पर कैपिटा इनकम अप्रोच से कर सकते हैं, बेसिक नीड्स अप्रोच से कर सकते हैं, PQLI, HDI, HPI तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम अप्रोच आया 1950s में, बेसिक नीड्स अप्रोच 1970 में, PQLI मोरिस डी मोरिस ने दिया 1976 में, HDI के तीन इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो हैं लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। HPI आया 1997 में और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया 2010 में। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।